राधे राधे, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं देखो, आज है दिन मंगलवार और मैं नहा के क्या सारे काम हो गए हैं। नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और किचन में भी थोड़ा सा मतलब काम करके आई हूँ, मतलब जैसे दाल वगैरह चढ़ा के बना। और मैंने सामान इतना ले रखा है कि मैं ना कुछ का कुछ बोले जा रही हूँ। हाँ, और पीहू ऊपर आ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। मेरे हाथ में देखिए कितना सामान है, क्योंकि टाइम 11:30-12 बज रहा है। ऐसी तो धूप अच्छी है, मैंने सोचा नहा के चलो थोड़ी सी धूप लेते हैं। पीहू अपना ड्राइंग वगैरह का सामान उठा लेंगे। पानी ठंडा का क्या, कैसा भी पानी ले लो ड्राइंग के लिए। तो मैं पहले इनको सामान वगैरह रखवाती हूँ, मैथी पेपर सब कुछ उठा लाई हूँ मैं। बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, बैठो बैठो, कुछ नहीं होगा, बैठो बैठो, अब कुछ नहीं होगा, बैठो। जा पानी उधर से लेके आओ, जा। पेपर भी ले आई मैं और इनकी बुक भी लेके आई, थोड़ी देर इनको पढ़ाऊंगी। और ये धनिया के मेथी ली थी मैंने सुबह, तो इसको मैं तोड़ लूंगी। चाकू देखो, दो दो आ गए। बैठो, इसमें तुम्हें इधर क्या दिखेगा अगर फोन से बनाओगी ड्राइंग? तो मैं नहीं हूँ। क्या मैं नहीं बना? ड्राइंग बन रही है। मैंने कहा था पहले पढ़ाई कर लो। यू ये भी बनाना, देखो ये सीनरी। ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चों के बैग रखे हैं, बच्चों की बुक सारी, और बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लाइव इसकी रैक बनी है बुक्स की, ये सब बनाना। और देखिए पीयू ने कितनी सुंदर, क्या है ये, कौन है? काली, काली है, काली बनाई है पीयू ने। और इतनी मैंने तोड़ ली है और टाइम 12:30 हो गया। मुझे आटा वगैरह लगाना है, क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा ही नाश्ता किया था, तो बाकी की ये शाम को मैं तोड़ूंगी, तो उसी में मैं रख देती हूँ साइड में। थोड़ी देर आटा वाटा लगा लेती हूँ। नीचे मेथी मैंने रख दी है अभी, अब बाद में तोड़ूंगी। और अब मैं जा रही हूँ आटा लगाने। दाल मैं बना के रख गई थी और सब्जी मैंने सुबह बनाई थी टिफिन के लिए आलू की, तो वो रखी है। तो दाल मैं तड़का लगाऊंगी और आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं गेहूं का आटा लगा रही हूँ और अभी ना बाजरा का आटा मैंने एक भी बार, अभी बाजरा की मतलब कहने का मतलब बाजरा की रोटी भी अभी नहीं बनाई मैंने, बाजरा का
मतलब बाजरा को आए हुए 15 दिन तो हो गए हैं, लेकिन अभी बाजरा एक भी बार पिसके नहीं आ पाया है। जो काम कहते हैं ना कि अपने हाथ में ना हो दूसरे के मतलब उस पर हो ना, तो वो इंतज़ार ही करना पड़ता है। मतलब कहें कहो भी तो आज पिसवाएंगे कल पिसवाएंगे, ऐसे ही चल रहा है। अभी देखो कितने दिन में पिसके आ पाता है बाजरा का बाजरा। तो बस चलिए, जब तक नहीं आता है तब तक तो गेहूं की रोटियां खानी ही हैं, क्योंकि सर्दियां बस यही जनवरी और फरवरी तक, हाँ 2 महीने ही आप मतलब हम बाजरा या मक्का का आटा खा सकते हैं। मतलब फरवरी में भी आधी फरवरी 15 दिन मतलब उतने ही, क्योंकि सर्दी फिर जैसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है तभी ये बाजरा की और मक्के की रोटियां अच्छी लगती हैं। जब सर्दी थोड़ी सी मीडियम सी पड़ने लगती है ना, फिर अच्छी नहीं लगती हैं ये सब रोटियां, फिर तो गेहूं की रोटी सिंपल ही अच्छी। रोटियां मैंने बना ली हैं, और रोटियां दोपहर में मुझे थोड़ी बनानी होती हैं। आज मैंने चावल नहीं बनाया है तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि पीहू ना बिना चावल के खाना बिल्कुल नहीं खाती है। इसको तो तीनों टाइम अगर सुबह के नाश्ते में भी इसको चावल दे दो तो ये शौक से खा लेती है। तो इसको जिस दिन मैं चावल नहीं बनाती हूँ उस दिन मुझे इसको रोटी खिलानी पड़ती है। तो बस यहाँ मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ करी पत्ता लहसुन जीरा और साबुत मिर्च से, और अरहर की दाल मैंने बनाई है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने सलाद भी काट लिया है। सर्दियों में मैं खाना खाने से पहले थोड़ा सा सलाद ज़रूर खाती हूँ, जिसमें जैसे गाजर है, मूली है, टमाटर है और प्याज है। प्याज ये है कि खाना के साथ खा लेती हूँ, प्याज मुझसे मतलब पहले नहीं खाया जाता है। गाजर मूली टमाटर तो मैं खा लेती हूँ पहले। तो बस यहाँ पे मैं तड़का लगा लेती हूँ, और सब्जी मैं ये करी पत्ता मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं ऊपर से लेके आई थी, और मुझे करी पत्ता का दाल में तड़का बड़ा ही अच्छा लगता है। बड़ा स्वाद मतलब दाल का स्वाद ही बढ़ जाता है करी पत्ते से। और आजकल सर्दियों में खाना जल्दी ठंडा हो जाता है, तो आलू की सब्ज़ी तो मैंने सुबह बनाई थी, इसलिए मैंने यहाँ मतलब कढ़ाई की भी गैस ऑन कर दी है और दाल भी ठंडी हो गई है। मतलब 1-1.5 घंटा तो हो गया है, 11:30-11 बजे मैंने बना दी थी दाल, तो ये भी ठंडी हो गई है। तो दोनों गैस मैंने ऑन कर दी है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा गर्म खाना ही खाना अच्छा भी होता है, ठंडा खाना अच्छा भी नहीं लगता है। तो फटाफट दोनों चीज़ें गर्म हो जाएंगी। और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी मैंने सुबह नाश्ते में बनाई थी, क्योंकि इनको ना बहुत जल्दी रहती है तो इनको चाहिए क्विक रेसिपी। तो मैं सुबह दाल वगैरह चावल ऐसी चीज़ें नहीं बना के देती हूँ, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता है इन सब चीज़ों का, मतलब खाने का। इन्हें चाहिए फटाफट क्विक रेसिपी, जैसे कि आलू की सब्ज़ी है, पूड़ी है, या कुछ पराठे, गोभी आलू, बंदा मटर, गाजर मटर, इस टाइप में जो सब्ज़ी झटपट बन जाए और साथ में रोटी फटाफट। तो इनको थोड़ा ऐसे ही टाइप में खाना मतलब सुबह के टाइम ऐसे ही चाहिए इनको। दाल वगैरह जैसे बोल दो ना कि दाल बन रही है तो भी नहीं लगता कि बहुत टाइम लगेगा, तो ये कहते नहीं दाल वगैरह मत बनाना। जबकि दाल जैसे सिंपल दाल अरहर की बनाओ तो फिर उसके साथ सब्जी भी होनी चाहिए, तो फिर इनको लगता है कि बहुत टाइम लगेगा। तो ये मतलब हमेशा यही रहते हैं कि मुझे फटाफट सब्जी रोटी बना दो। तो बस मैं ज़्यादातर सब्जी रोटी ही बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने थाली लगा ली है, गर्मा गर्म दाल आलू की सब्जी और रोटी। तो आ जाइए आप लोग भी, लंच तैयार है। मैं और पीहू लंच करेंगे दोपहर में, क्योंकि सिस्टी काफ़ी लेट आती हैं, तो फिर सिस्टी सा मतलब जब इतना फिर हम दोनों का खाना काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए मैं और पीहू दोपहर का खाना थोड़ा जल्दी खा लेते। तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यही करूँगी दोस्तों। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए लग गई है थाली, तो आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म सिंपल सा खाना है। अरे मक्खी भाग, मैं खाऊंगी पहले। चलिए ऊपर खाना खाते हैं, पीयू को भी खिला दूंगी इसमें, नहीं तो आज मैंने ना चावल नहीं बनाए, नहीं तो फिर पीयू ना चावल मांगेगी। और मैं, आप सोचते होंगे हमेशा दाल सब्जी रोटी दाल सब्जी, मैं ना सादा ही खाना पसंद करती हूँ। देखो यहाँ पढ़ाई भी हो रही, मैं खिला रही हूँ पीयू को खाना। पीहू से मैं मना कर रही कि पीहू पहले खाना खा लो फिर बाद में पढ़ाई करना। लो हम लोग खाएंगे खाना।